नवा अध्याय। शिवराज जी बोले, अपने किंकरों को हाथ में पाश लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, दूत तुम भगवान मधुसूदन के शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्य पर ही चलती है, वैष्णव पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख है, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवतों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जो भगवान से विमुख है, उसे कभी सिद्धि या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विष अमृत हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्ष तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वो कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकती। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देव गुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्य के फल स्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ियों को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवर्ष हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणामृतों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भव जन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। शिवराज जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृग के पौत्र मार्कंड जी के पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूंगा।